आजकल देश में पारा लगातार चढ़ता ही जा रहा है, ऊपर से लू की वजह से भी लोग बेहाल हैं। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले 3 दिनों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 28 मई के बाद ही इससे राहत मिलने के आसार हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही तेज हवाओं की वजह से अगले 5 दिनों तक असम और मेघालय में भारी बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश में आज बारिश होगी। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 5 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। 29-30 मई को उत्तर भारत के कुछ राज्यों में धूल भरी आंधी चल सकती है और बारिश भी हो सकती है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। इसी के साथ ही लोगों को उस भयंकर लू से थोड़ी राहत मिलेगी, जिससे इन दिनों सभी परेशान हैं। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने एक रेड नोटिस जारी किया है और कहा है कि 25-26 मई को लू सबसे अधिक चलेगी और लोगों को दोपहर के दौरान घरों में ही रहने की हिदायत दी है। पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड में भी अगले 2-3 दिनों तक लू चलने की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में धूल और बारिश 29-30 मई के बीच आने की संभावना है। हवा की रफ्तार भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की उम्मीद है, जिससे कुछ लू से राहत मिलेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।